बिटिया अगर घर में पैदा हो ना तो लक्ष्मी भाग्य और तरक्की साथ लेके आती है। चाहे कितना भी गरीब बाप क्यों ना हो और लड़के वाले अगर 20-50 लाख रुपए मांग ले, अगर ज्यादा गरीब है तो 5-10 लाख रुपए मांग ले तो महाराज बाप कहीं से भी लाएगा देगा। पिता खुद के शरीर को गिरवी रखने की ताकत रखता है। और एक चीज हमने देखी, तुम अपना घर गिरवी रख के लड़के वालों को दे देना लेकिन उनके मुंह से यह नहीं निकलेगा कि ज्यादा मिल गया। एक लड़का जब शादी करके लाता है ना तो लोग उससे पूछते हैं भैया दहेज में क्या मिला, दहेज में क्या मिला, तो वो लड़का जवाब देता है कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपने घर का खिलौना दे दिया, एक भाई ने अपनी परछाई दे दी, एक बहन ने अपनी हमजोली दे दी और हमें दहेज में क्या चाहिए। महाराज जब बिटिया के लिए बाप लड़का देख के घर पे आता है ना उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। लाड़ो पूछती पापा क्या हुआ, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या, तो बाप बोलता नहीं बच्चा ज्यादा नहीं मांगा, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से तीसरे या चौथे महीने में तू पराए घर की हो जाएगी। ये घर घर नहीं रहेगा, ये परिवार परिवार नहीं रहेगा, तू पराए घर की हो जाएगी। एक चीज हमने देखी है, बिटिया की जब विदा होती है ना तो बिटिया की विदा में सबसे ज्यादा एक व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, खाना बना मेरे कपड़े धुल दे ये कर वो कर, अगर नहीं करेगी तो ऐसे घर में शादी करूंगा, सास रोज लड़ेगी। भाई रोज लड़ता है लेकिन बहन जब विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। महाराज कोई व्यक्ति पूछता है कि तू आज इतना क्यों रो रहा है, तो भाई आंखों में आंसू लेके जवाब देता है कि बीरन जब तक ये कुंवारी रही मैं रोज लड़ा, रोज मैंने मारा पीटा, लेकिन आज ये जब विदा हो रही है मेरी और इसकी कितनी भी लड़ाई हो गई हो लेकिन अगर मैं खाने के लिए जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, और जब तक मैंने भोजन नहीं किया क्या मजाल है ये टुकड़ा खा ले। आज से न कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। दादा एक बात बताऊं, मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि विदाई के समय में मां कम रोती और बाप ज्यादा रोता है। पता है क्यों? मां आगे पीछे रो लेगी, मां आगे पीछे रो लेगी लेकिन बाप और भाई विदा के समय ही रोते हैं बहुत ज्यादा। और वो मां इसलिए नहीं रोती क्योंकि अगर मैं भी शुरू हो गई रोना तो बाप और भाई को कोई संभालने वाला नहीं है। महाराज बेटी जब विदा होती है ना तो घर से जैसी निकली हेतु नातेदार रिश्तेदार हितकारी प्योहारी पड़ोसी सब कहते भैया मेरे घर पे बहुत काम है, तुम्हारी बिटिया विदा हो गई अब हमें भी अनुमति दो हमें जाना है। महाराज पिता जो होता है ना बेटी पे कितना भी पैसा खर्च कर ले, माता हो
लेकिन जब वो बिटिया जयमाला डालने जाती है ना तो बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। अगर एक गरीब बाप है उसके चार बेटियां हैं ना तो वो सुबह 7 बजे घर से निकलेगा और रात में 10 बजे काम करके वापस आएगा ताकि हमारी बेटी को कभी जीवन में कष्ट ना हो। बिटिया चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, ऐसा नहीं है कि गरीब रोज पिटता है तो उसे दर्द नहीं होता। बेटियां बाप बड़े अच्छे से पालता है। पिता को अगर बेटी ससुराल चली जाए और जरा सी बीमारी हो जाए बाप को तो बेटी 3 बार तो कम से कम फोन कर ही लेगी, पिताजी आप ठीक है ना, दवा तो टाइम से ली आपने, भाई कहां गया, आपकी सेवा तो ठीक हो रही है। यहां तक बेटी कह देगी कि पापा अगर घर में भाभी देखभाल नहीं कर पा रही हैं तो आप मेरे पास आइए, मैं ढंग से सेवा करूंगी। जो यहां 9 बजे उठने वाली दादा ससुराल में सुबह 6 बजे 5 बजे उठ जाती है, कुछ अच्छा बना ले ना तो सबसे पहले माँ को फोन करती, मैया मैंने बहुत अच्छा बनाया। लेकिन माँ तू हमेशा कहती थी कि तू सीख ले, मैंने तेरे हाथों जैसा स्वाद अपने खाने में नहीं ला पाई। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है काफी दिन हो जाए बिटिया मायके में न पहुंचे तो पिता को चुपचाप फोन करती, पापा एक काम करो मेरे ससुर को फोन करके बोल देना कि हमें भेज दे। बाप अगर फोन करेगा ना कि लाड़ो को भेज दो तो ससुर कहते नहीं त्योहार पे भेजूंगा, महाराज बेटी वही मन मार के रह जाती है। मेरा निवेदन है बुजुर्गों कि आप बेटियों को वो सुख देना, आप बच्चियों को, और एक चीज और है, जो समझदार बेटियां होती है ना वो चाचा ताऊ या पिता में लड़ाई हो जाए ना तो बेटियां कभी दुश्मनी मोल नहीं लेती। पता है क्यों? क्योंकि बेटियों को पता है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं पराए घर की हूं, और यहां बाप और चाचा में ताऊ में लड़ाई होगी तो मेरा कोई यह अधिकार नहीं है जो मैं इनसे लड़ बैठूं। और निवेदन भी है बहनाओ, अगर लड़ाई हो भी जाए तो आप रक्षाबंधन या कार्तिक के महीने में अगर आती है ना तो माताओं बहनाओं कभी भी अपने चाचा ताऊ से दुश्मनी मत लेना। जितना आप बाप को प्यार करती उतने चाचा ताऊ के घर जाना कभी भी दुश्मनी मोल मत लेना। एक गरीब की बिटिया जब विदा होती है ना तो कई दिन हो जाते हैं जब घर पे अब बाप लेने नहीं आता तो वो बेटी चुपचाप अपने बाप को एक चिट्ठी लिखती और कहती घर से तू हमारी गुड़िया मायके में पापा तुमने ससुरे में बिना पिटे दिन रात नई बाकी कबूला पापा कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया बाबा कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया बबूला
थारे ससुर धमकावे पापा सासुरे पापा ननद दिखावे तेलकी कठिया बबुला ननद दिखावे तेलकी कठिया बबुला माइक को तरसे तो हरी गुड़िया और दादा यहाँ हमारे भाई बैठे हैं, किसी की भी बेटी घर में लेके आओ, किसी की भी बेटी हो लेकिन जीवन पे हाथ, जीवन में आपका उसके ऊपर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। वो बेटी पत्र में लिखती पापा जिसको बनाया पापा जीवन साथी कोई कहता है लगा ले तू फांसी बस थोड़े ही दिन नंगी है गुड़िया पापा थोड़े ही दिन नंगी है गुड़िया ओ बबुला माइक को तरसे तुम्हारी बिछिया महाराज आज राजा जनक एक खम्भे को पकड़ के बात रोए। मैया सुनैना ने समझाया श्रीमन अगर आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। आप बड़े विद्वान हैं, लोग आपको ज्ञानी बोलते हैं, आप बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान हैं, आप मत रोइए। राजा जनक बोले कि देवी ये किसने रसम बनाई है कि 20 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। आप किसी से पेन मांगना पेन तो दादा पेन देने में हिचकिचाएगा। और यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को किसी और के हाथ में दिया है। बहुत परेशान महाराज जब विदा कर रहे थे तो बात कही लाडो चाहे दुख हो चाहे सुख हो कोई भी परिस्थिति हो लेकिन तू अपने पति का साथ मत छोड़ना। अच्छा अंत में जो थोड़ी देर पहले राम से मजाक कर रही थी ना वो साष्टांग दंडवत कर रही राम को और राम जी से सखियां हाथ जोड़ के बोली महाराज आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपको ज्ञान क्या सिखाऊंगी, बस इतना चाहती हूँ राम जी कि मेरी बहन को लेके जा रहे हो हमारी यहाँ बड़े प्यार से पली बड़ी है, मेरी सीता को कभी जीवन में कष्ट मत देना। हमारे राजा जनक की इकलौती बेटी है जो सखियां थोड़ी देर पहले बड़ी मजाके कर रही थी बोर हो रही है। बिटिया को विदा कर रहे राजा जनक लिखते हैं दादा विद्वान बाबुल का ये घर दीदी कुछ दिन का ठिकाना दिन
विदा कर रहे महाराज मैया विदा है कि आई।